हम निकले बकरा ईद की शॉपिंग करने के लिए, दो बकरे लेने के लिए निकले हैं। तो आप जैसे हमें बकरा मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि शकरा तेरा बकरा क्या कर रही है, तो नहीं कर रही है यार। तो ये रही मम्मी जो बकरा खरीदने के लिए ला रहे हैं। तो जैसे बकरे बकरा पता कहाँ लाएंगे, वो आगे रखेंगे ना बकरा, आगे जो मम्मा के पे टांगे रखते वहाँ पे बकरा होगा। तो जैसे हमें बकरा मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कितने कितने किलो का और कितने हाँ और कितने में मिला। ठीक है, बाय बाय। जम्मू में सऊदी अरब की फैसिलिटी ये आ गए हम नायला का झोले में। झूठ बोलती कि हम बकरा लेने आ रहे हैं, हम दीदी की शादी की शॉपिंग करने आए हैं। बकरे हैं, मैं बताऊंगी आपको, बकरे हैं हमारे पास। हम लोग फरादी की शादी की शॉपिंग करने आए हैं ना। अच्छा लगा डोडू के लिए। एक ये वाला भी है मैरून कलर, बिना कह रही सबको एक जैसे ही ले लो। पीच कलर अगर सेम लेना तो ये ले लो। एक ये ले ले, एक ये मैरून ले ले और एक कोई और देख। ये येलो कुर्ता भी अच्छा है, प्लेन सिंपल चाहिए देखो। मुझे नहीं चाहिए पर्पल वाला। येलो अच्छा लग रहा है। नहीं, नहीं। आप कुछ भी निकालो। ग्रे नहीं यार, ये नहीं। अच्छा है, कोई बात नहीं। उधर से आती हूँ भाई साहब। वही इतनी ज़्यादा है कि मतलब 14 प्लस अगर आज टेम्परेचर है, और अभी थोड़ा सा हम निकले थे बाहर, थोड़ा ही कुछ सामान लिया, ज़्यादा सामान लेने की कोई मतलब इच्छा भी नहीं हो रही है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ सोचने का मन भी नहीं कर रहा है। तो बस मैं हमेशा सुधरा के नेक्स्ट कैफे जाती हूँ, लेकिन आज यहाँ पर भी देखा मैंने पुरानी तरफ मंडी के पास नया नेक्स्ट कैफे खुला है, तो हम वहाँ भी आए कि वहाँ पर ट्राई करते हैं कि कैसा है। ऑलमोस्ट होता तो जैसा ही है जगह पर।
स्पेस हमारी जो सुपरा की नेस्ट कैफे है उसमें स्पेस बहुत अच्छा है और बाहर का व्यू वगैरह भी बहुत अच्छा है। बंदा अगर अंदर सिटिंग ना करे तो भी बाहर बैठ खड़े रह के खा सकते हैं आराम से। देखते हैं कॉफ़ी तो ले ना, मैं वेट तो कर रही थी सबसे। चलो कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स ये था बकरा ईद का थोड़ी सी बिल्कुल छोटी मोटी सी शॉपिंग का व्लॉग। कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मेरा एक न्यू चैनल है जिसमें मैं हॉरर स्टोरीज लेकर आती हूँ, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। फरिया की दुनिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उन कहानियों को भी इंजॉय करें और हमारे व्लॉग्स को देखते रहने के लिए और लाइक और शेयर करने के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और होप आप सभी की जो ईद है वो बहुत अच्छे से जाए, दुआ करती हूँ। और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।